देखिए गाइस, वो है मंदिर जहाँ से हमने पूरे पहाड़ पे चढ़ते हुए और पीछे के रास्ते से निकले थे। ये सीधा रास्ता बाबा मोहन राम के दर्शन करते हुए पीछे से निकलता है। बैक साइड ही प्रसाद की दुकान है और इधर बच्चों के खिलौनों की दुकान है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम आए हैं बाबा मोहन राम के दर्शन करने, जो कि भिवाड़ी में पड़ते हैं। और आज हम यहाँ से पहाड़ की परिक्रमा लगा रहे हैं और पूरा लंबा ट्रैकिंग है। यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं और पीछे पीछे आ रहे हैं मंजू तूफान। और ये देखिए, पीछे काफ़ी लंबी ऊंचाई है यहाँ से पहाड़ के ऊपर। अभी हम नीचे से आ चुके हैं करीबन आधा मीटर ऊपर, और अभी तो हमें काफ़ी दूर ऊपर चढ़ना है। और हमारे आगे है एक मंदिर, और उस मंदिर से होते हुए हमें जाना है नीचे। और ये देखिए पीछे, उधर भी कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, और वो है हमारे पीछे मंदिर जहाँ पे अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो चलिए और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें नीचे पहुंचने में। बजरंगबली जी का मंदिर है। जय बजरंगबली। अभी अभी ने किए हैं बजरंगबली जी के दर्शन, और कम से कम आधा किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद एक मंदिर आया जो बजरंगबली जी का है। अभी हमने यहाँ पे दर्शन किए हैं। ये हमारे पीछे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बजरंगबली जी का मंदिर है। और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मूर्ति बनाई जा रही है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जय हनुमान मंदिर। और ये देखिए, आप देख पा रहे कितनी, हम वहाँ नीचे से ऊपर आए हैं जहाँ पे वो झंडे आपको देख पा रहे झंडे, वहाँ से हम सीधा उससे भी नीचे से ऊपर आए हैं अभी। और ये देखिए कुछ इस तरीके का व्यू हमारे यहाँ से दिखाई दे रहा है। जी के मंदिर के दर्शन कर लिए और अभी हम जा रहे हैं आगे। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको पहाड़ी रास्ता। लगी ना, चल चलो। ये हनुमान जी की तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर बनाई जा रही है यहाँ पे हनुमान जी की। और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी का गधा, और अभी काम अधूरा है। और ये बन रही है, काम चल रहा है। देखो ऊपर मिस्त्री लग रहा है काम करने में। जब ये पूरी हो जाएगी तो आपको एक और वीडियो दिखाएंगे हम इसकी, हनुमान जी की। तो चलते हैं अभी आगे। जय बाबा मोहन राम। अभी यहाँ पे
तूफान के पैर में लग गया था कांटा, बड़े खतरनाक कांटे यहाँ पे। ये देखो ये गौशाला है, यहाँ पे गौशाला। इधर से नीचे, इधर से, इधर इधर इधर, अब इधर चलेंगे। ये बाबा मोहन राम मंदिर। चलो अब हम गाइस जा रहे हैं नीचे की तरफ यहाँ से। अब वापस जा रहे हैं। हमें पता नहीं था, हम जा रहे थे नीचे की तरफ, पर रास्ता जो है वो इधर से है। अभी हम जा रहे हैं इसकी तरफ, अंदर की तरफ, और अंदर से जाएंगे नीचे की तरफ। वीडियो में बने रहिए। आज आपको दिखाएंगे हम पूरे यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं पहाड़ के ऊपर। चलो पहले उस मंदिर में चलते हैं। चलो ये श्री राम भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं, और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण, जय भोलेनाथ। अभी हमने चढ़ाना, आप चढ़ो अपने हाथ से। चढ़ा भगवान जी, कुछ को चढ़ाई बेटा, भगवान जी प्रसाद चढ़ाओ। अभी हमने भोलेनाथ कृष्ण जी और श्री राम जी के दर्शन करे हैं। ये जो मंदिर हमारे पीछे है, ये यहाँ से दर्शन करके अब हम जा रहे हैं आगे। आगे भी अभी मंदिर बने हुए हैं, दो मंदिर बने हुए हैं, अभी उनके दर्शन करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो चलिए, ये है गौशाला, एक गाय बनी हुई है यहाँ पे। आ जाओ मंजू, इधर से चले। अभी हम जा रहे दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ, और यहाँ पे देखिए काफी गाय बैठी हुई है। ये जो मंदिर है, ये बाबा मोहन राम जी का मंदिर है जो कि नीचे बना हुआ है, और ऊपर काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं परिक्रमा लगाने पहाड़ के जरिए। और ये जो रास्ता है ये लास्ट में नीचे पहुँचेगा। फिर उसके आगे देखेंगे कि और भी मंदिर है या नहीं है। फिर ये सीधा रास्ता जाता है जो कि है नीचे की तरफ। ये रास्ता देखिए, यहाँ से ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सिद्धि श्री बाबा मोहन राम श्री नवनाथ चौरासी सिद्ध घृणा। तो अभी हम इसके अंदर से अंदर जा रहे हैं। आगे पहाड़ी पहाड़ है, और यहाँ पे खड़ी है गाय। और ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ से नज़ारा दिख रहा है। ओए कंपनी ही कंपनी है यहाँ पे। ये देखिए पूरा भिवाड़ी जो है ऊपर से नज़र आ रहा है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। ये देखिए
गए, चलते हैं वो अपने नीचे की तरफ। ये सीधा रास्ता जा रहा है नीचे। रास्ता है वो? हाँ रास्ता ही है। छोटे छोटे पत्थर है ना, ये ज्यादा चुभ जाए पैर में। पहने पहने धीरे चल, धीरे बेटा धीरे 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 चलो। ध्यान से चलियो यहाँ से। जय गौ माता। चुप गया बच्चा, इधर चल, इधर दे, इधर काटते हैं देख। चलो मुझे पकड़ लेना बेटा, हाथ पकड़वा ले। पहाड़ के बीच में से नहीं, वहाँ नहीं पहुँचेंगे, ये ऑन रास्ते पे पहुँचेंगे, रोड पे। तो फिर गाड़ी तो वहाँ से बहुत दूर रह जाएंगे। गाड़ी तो गाड़ी वो तो पैदल आना पड़ेगा वापस उधर ही जहाँ गाड़ी खड़ी है। अच्छा? हाँ चल बेटा आराम से, चल चल धीरे धीरे आराम से चलना, पैर मार रहा बेटा, धीरे चल, पहने पत्थर है ये। बस तो पूरा माउंटेन ट्रेनिंग होगी, ट्रैकिंग गिरी है ना। थोड़ी देर बैठ जाओ यहाँ छाए में, बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर बैठ सकते हो। अभी तो वो दो फाड़े ने उनके बीच में जाके जब आगे जाना पड़ेगा। पूरा पहाड़ पर ही आ गया यार, है ना, पूरा पहाड़ पर। रेस्ट कर लो चुपचाप बैठ के।
चलो कहाँ है साहब? लगे हो तो लगो तो आ जाओ। देख पूरा पत्थर चुभेगा बहुत तेज पैर में। चलो आ जाओ। बाद एक छोटी सी दुकान आई है कोल्ड ड्रिंक की, पानी की, जिसे भी पीना हो यहाँ से पी सकता है। फोन पे पेटीएम सब कुछ है। एक लीटर बोतल 60 रुपए, पहाड़ के चार्ज एक्स्ट्रा 10 रुपए, प्रिंट रेट 50 रुपए, वैसे ये 60 रुपए की है। भाई पहाड़ के ऊपर है तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे ना। चलो एक दे दे भाई ये, ठीक है। क्या गाड़ी चटक गई? चटक गई नुकसान होगा। भाई की छोटी सी दुकान पर पार्टी करी, ड्यू पार्टी। चलो भाई। अच्छा भाई जी धन्यवाद। चलो भाई पत्थर पुत्थर। चलो ये भाई की डस्टबिन। भाई ने बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा, पहाड़ में भी डस्टबिन रख रखी है। चलो भी जा रहे नीचे। पत्थर बहुत पहना पहना है यहाँ पे ना पीछे। चलो घुसगा ना। चलो अबे ये पाप है जो मीटर है। अरे भाई पाप कम हो रहा है, जितना दर्द हो रहा है समझ ले पाप कम हो रहा है। मतलब मेरा गाना ही होगा। ओए भाई पत्थर भाई उराता आराम से निकली हो। चलो भाई धीरे धीरे निकलो उराते। ओए भाई पहाड़ देख कितना ये काला काला क्या है मैं पहाड़ में ये वो आग जला रखी कहीं ने। ये देख काला काला हो रहा ना। कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दे पीछे ला। चलो भाई आराम से। तेरी डीओ आ रही है। देखिए गाइस कितने बड़े बड़े पत्थर से होते हुए हम नीचे उतर रहे हैं। और पूरा पहाड़ का पहाड़ है ये। चलो के? क्या गो? अच्छा अच्छा अभी हमारे एक मंदिर। देखिए यहाँ पे मंजू ध्यान से, ये चिकड़ो पत्थर है। चलो अभी हम पहुंच गए हैं, एक और मंदिर आ गया हमारे सामने, जहाँ पे लोग वगैरह ना पैसे डाल रहे हैं और पैसे ढूंढ रहे हैं। ये देखिए ओए गिर गए। सफेद कलर का ये। काफी टाइम बाद चलने के बाद एक और मंदिर आ गया। चलो इसमें ट्राई करूं मैं। एक ब्लैक तोर गहरे में है पानी से। पानी भी है क्या इसमें? बहुत हम लोगों ने डाल दिए। है क्या इसके अंदर?
ट्राई कर लो क्या निकलेगा इसमें पैसे, पैसे आपको पैसे डालने पड़ेंगे ठीक है और आपको वापस हाथ आ गए जो आपको एक के बदले दो भी मिल सकते हैं नहीं तो एक भी नहीं मिलेगा अच्छा अच्छा कितने भी मिल सकते हैं अच्छा और ना डाले तो रहने दो अच्छा चलो तो आ जाओ भाई इसमें पैसे डाल के पैसे निकालो चलो क्या बेटा ये नकली है नहीं ये नकली है बेटा नहीं ये देख क्या लिखा है ये देख क्या लिखा है टिक 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 है ये बेटा भाई कितने की है 5 रुपए की है कबीर आवाज आई नहीं दोबारा जीरे हैं तूने क्या नाम लियो जीरे ये कौन है आगे बन रही है सीढ़ी आगे बन सीढ़ी से हमें जाना पड़ेगा ऊपर ऊपर हाँ मैं तो गोदी में लूंगा जब तक मेरा टाइम पास खत्म नहीं होएगा जब तक मैं नीचे उतरूंगा हमने देखी थी कब देख ली तूने पुरानी जगह है हाँ अरे वही है पुरानी सी खो गई पड़ गई थी जगह वो देखिए गाइस पहाड़ के ऊपर गुफा है उसका रास्ता अलग से दिया गया है हम वहाँ पे नहीं गए काफ़ी स्ट्रेट पहाड़ है वहाँ पे पत्थर है गुफा में चले। पापा गुफा में चले। नहीं बेटा गुफा में नहीं चलो गाइस फाइनली हम रोड पे आ गए हैं चलते चलते हम कितने 12:30 बजे हमने पहाड़ के ऊपर चढ़े थे और अभी बज रहे हैं 3 और हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं पीछे है यह रोड पूरा जो सीधा जहाँ से हमने नीचे से स्टार्ट किया था मंदिर वहीं पे ये सीधा रोड वहीं पे जाएगा ये देखिए ये सीधा रोड इस तरफ जाएगा मोहन राम बाबा के वहाँ पे और आगे खड़े गोलगप्पे वाला तो चलो अभी हम गोलगप्पे खाते हैं यहाँ पे काफ़ी पब्लिक आ रही है उधर से तो ना मतलब हमारे पीछे काफ़ी पब्लिक थी हमें सब तक आ गया था गाइस मैंने बच्चों को वहीं पे छोड़ दिया है और मैं अभी जा रहा हूँ गाड़ी लेने जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी थी वहाँ से ये पूरा एक रोड है और हमने जूते चप्पल जो है वो वहीं पे निकाल दिए थे तो जिसकी वजह से इस रोड पे चलना पड़ी मतलब जगह जगह पे रोड़ियाँ पड़ी हुई है तो जो पैर में चल रही है
गाड़ी लेने जा रहा हूँ और गाड़ी लेके फिर वापस इसी रोड पे बच्चों को लेने आऊँगा। देखिए मेरे पीछे काफ़ी दूर है रोड और अभी गाइस काफ़ी दूर आ चुका हूँ पैदल रोड के सहारे, जहाँ पे काफ़ी जगह है जहाँ पे कच्ची मिट्टी है, तो वहाँ से चलते चलते, और अभी जो मंदिर है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, तो चल रही है अभी और आगे चलना पड़ेगा हमें, रास्ते से काफ़ी दूर जाना है हमें आगे। बाबा से पूछते कितनी दूर हो रहा है, बाबा कितनी दूर हो रहा है आगे मंदिर? खोली, हाँ थोड़ी दूर है। अच्छा सामने है यहाँ पे, वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहे ना, वहाँ पे है वो मंदिर। पर साइड में ये देखो बेर का पेड़ है जिसमें बेर लगे हुए हैं छोटे छोटे, अभी ये कच्चे हैं, ये झाड़ी वाले बेर, और ये पकने के बाद लाल लाल हो जाते हैं, खट्टे मीठे काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो चले अभी आगे, यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ हैं बेर की, छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं काफ़ी बेर की, जिसमें अभी जो बेर हैं वो कच्चे कच्चे हैं। हम जहाँ तक है पहुँच चुके हैं अभी, फाइनली गाइज मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। वो देखिए जहाँ से हमने बाबा की परिक्रमा की थी, जहाँ से हमने चढ़ाई स्टार्ट करी थी, वो देखिए वो रहा मंदिर। तो हम अभी मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, उससे थोड़ी सी आगे है जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, तो चलिए वहाँ से हम गाड़ी लेते हैं और वापस इसी रोड पर जाके बच्चों को लेके आएंगे। तो चलते हैं अभी आगे, अभी यहाँ से करीबन थोड़ी सी दूर हो रहा है अभी, काफ़ी रोड पे तेज़ पत्थर हैं जिससे नंगे पैर जो है चला नहीं जा रहा, पैरों में चल रहे हैं, फिर भी हम धीरे धीरे चल रहे हैं। ये देखो जेसीबी खड़ी है हमारी इधर साइड में, अभी दिक्कत ही आएगी कि देखना पड़ेगा कि हम गाड़ी यहाँ ले आ सकते हैं या नहीं ले के आ सकते हैं। चलो चलते हैं देखते हैं आगे जाके। हेलो, ये है मंदिर और हम पहुंच चुके हैं अभी मंदिर के पास, अभी यहाँ से हमारी गाड़ी तो आ जाएगी। चलो फाइनली गाइज मैं अपने गाड़ी में आ गया हूँ बच्चों को वहाँ पे छोड़ के, अभी जो बच्चे हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कि गाड़ी मेरी वहाँ पे चली जाएगी, पर वहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई हुई है और आगे जो हमारी गाड़ी है वो नहीं जा पा रही है, तो जिसकी वजह से मैंने पता किया कि बैक साइड में हमारी जो गाड़ी है उस रास्ते पे कैसे जा पाएगी। तो उन्होंने बताया कि पीछे एक जोड़ है, जोड़ के पास से जो रास्ता है वो सीधा वहीं पर निकल जाएगा। पर मैंने अभी पूछा तूफ़ान को फ़ोन करके, तो उसने बताया कि भाई हम पीछे पीछे आ रहे हैं रोड से, तो आने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तूफ़ान का मेरे पास जो फ़ोन आ रहा है, एक मिनट तक वो आते हैं, जब तक करते हैं वेट यहाँ पे बैठ के, क्योंकि अभी पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है उनको आने में। तो अभी तूफ़ान का फ़ोन आया था तो वो कह रहा है कि 10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो जब तक बैठे हैं अपनी गाड़ी में, और आपको बाहर काफ़ी दुकानें हैं, हमारे साइड में भी काफ़ी दुकानें हैं, चलो आपको बाहर की दुकानें दिखाते हैं, बच्चों की खेलने की चीज़ें भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ये रही हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और यहाँ पे आसपास काफ़ी प्रसाद की दुकान है, और इधर बच्चों के खिलौनों की दुकान है, और ये खड़ी हुई है हमारी गाड़ी टेबल की गाड़ी। ये सीधा ये गौशाला भी है, आप यहाँ पे अगर आते हो तो गौशाला बाबा मोहन राम गौशाला की, उसमें दान भी कर सकते हैं पैसे, और इधर है बच्चों के खेलने की खिलौने मिलते हैं काफ़ी, यहाँ से आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, अगर आप दोज वाले दिन आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे दोज की मान्यता ज़्यादा होती है, दोज वाले दिन काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर।
और अगर आप यहाँ पे होली वाले दिन आते हैं तो यहाँ पे कम से कम ये लगा लो 7 दिन तक जो है ज़बरदस्त मेला बढ़ता है, और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे पब्लिक आती है, यूपी से काफ़ी दूर दूर से आती है। तो ये देखिए, तो